सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार ने जोरदार विकास कार्य किए हैं और उज्जैन नगरी में हुए विकास कार्य दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं है, ये कहना है केंद्रीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का। सोमवार को मीडिया से हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ महाकुंभ में BSNL की सेवाओं को बेहतर बनाने पर पूरा जोर दिया। इंदौर में सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शिवराज सरकार की पीठ थपथपाई। केंद्रीय मंत्री बोले कि सिंहस्थ का काम लाजवाब हुआ है और उज्जैन में हुए विकास कार्य एक नया उदाहरण पेश करते हैं। आज मैं रात में स्वयं उज्जैन गया था। एक तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मैं अपने मित्र मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के प्रशासन की तारीफ करना चाहूंगा। मैंने पूरे सिंहस्थ की जो तैयारी देखी है, शायद मैं लगभग 5 वर्षों के बाद उज्जैन गया, 5-6 वर्षों के बाद, और बिल्कुल उज्जैन बदला हुआ मुझे लगा है। तो इतनी अच्छी तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, घाट, पुल, ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं मध्य प्रदेश शासन की और शिवराज जी की तारीफ करता हूं इसके लिए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि धार्मिक स्थानों पर बड़े आयोजन के लिए ढांचागत विकास की सुविधाएं कैसे होती हैं, ये उज्जैन से सीखना चाहिए। जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जो डिवाइडर्स बने हैं, जो शिप्रा नदी के ऊपर सेतु बने हैं, बहुत ही मैं प्रभावित हुआ हूं और उसकी भी चर्चा करूंगा। इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर चल रही कवायदों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग देगी। मोटे रूप में मैं बता दूं, जो इंदौर के बुद्धिजीवी ने मुझे दिया उसमें एक बात मेट्रो के बारे में थी। भूपेंद्र जी थे वहां पर, राज्य सरकार से बातचीत कर करके प्रयास करने में मुझे सबसे प्रसन्नता होगी इंदौर में मेट्रो शुरू हो जाए। जयपुर में शुरू हुआ है, तमिलनाडु में, चेन्नई में शुरू हुआ है, बैंगलोर में शुरू हुआ है, तो ये मॉडल को हम और तेज करेंगे। मेट्रो का पूरा मॉडल अटल जी की सरकार के समय शुरू हुआ था, आपको मालूम है। वहीं यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री बोले कि पुरानी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती थी और हम काम करते हैं। यूपीए सरकार में नए नए लाइन के बदलीकरण की घोषणाएं हुआ करती थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कम होता था। हमारी सरकार बनने के बाद आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी पुरानी घोषणाओं को पूरा करने में दी जा रही है, तो मैंने बताया उसके हम विशेष चिंता करेंगे। इंदौर को आईटी हब के रूप में विकसित करने पर भी केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया और कहा कि आईटी सेक्टर में भी पहले से सुधार आया है और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र में और भी ज्यादा बेहतर काम किए जाएंगे। कुछ लोगों ने आईटी में और मजबूत करने की दिशा में आग्रह किया है। मैं इस देश का आईटी का भी मंत्री हूं और इंदौर को एक बड़ा आईटी हब बनने में जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री ने BSNL की सेवाओं को पहले से बेहतर बनाने का दावा किया और सिंहस्थ में भी कनेक्टिविटी को सुचारू बनाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।